व्हाट्सअप फी गैंग, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम दोबारा से खेले जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसे कि गाइस आप सभी लोग को याद होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बनाए थे अपने दो फूड फार्म, पहला वीट एंड दूसरा पोटैटो। एंड भाई लिटरली दोनों इतने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं ना, मतलब साइड में मैंने इनके फ्लावर्स लगाए एंड इनका ना एक पाथ बना दिया एंड वो पाथ मैंने अपने घर से टच कर दिया। एंड ये देखो भाई कितना ज्यादा सही लग रहा है। बट गाइस आज हम जाने वाले हैं अपने घर के नीचे एक माइन शाफ्ट में। मतलब यार लास्ट टाइम मैं ना कुछ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए गया था केव में एंड मुझे पता लगा कि मेरे घर के नीचे एक इतनी ज्यादा बड़ी माइन शाफ्ट है। तो भाई सबसे पहले तो मैं माइन शाफ्ट में जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या ट्रेजर वगैरह मिलेंगे। बट हाँ मुझे इतना पता है कि वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, तो फटाफट से आज वहाँ पे चलने की तैयारी करते हैं। और हाँ जाने से पहले तुम ये देखो, मतलब मैंने ना अपना FOV बढ़ा लिया था। तुम सभी लोग कह रहे थे एक बार FOV बढ़ा लो, उससे क्या होता है ना हमें फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा मिलता है, तो काफी ज्यादा सही लग रहा है भाई। पहले तो मैं ऐसे खेलता था। एंड हाँ गाइज मैंने अपने चैनल पर ना एक न्यू गेम प्ले सीरीज शुरू करी है, ब्लैक मिथ वुकोंग। एंड लिटरली भाई वो बहुत ज्यादा बढ़िया गेम है, ग्राफिक्स तो बस पूछो मत। एंड मैंने उसकी वीडियो भी डाल दिया है, तो फटाफट से उस वीडियो को भी जाके देख लेना। ओके मैंने ना थोड़ी सी तैयारी कर रखी है, जैसे कि यहाँ पे थोड़े बहुत फूड कुक कर रखे हैं। तो देखो यार मेरे पास ना कोल वगैरह नहीं है, तो मैंने क्या किया ना, जो वुड लोग होते हैं ना उनको मैंने फर्नेस में डाल के उनके चार कोल बना लिए। इससे काफी सारी टॉर्च बना लूंगा क्योंकि तुम्हें पता है भाई केव में कितना ज्यादा अंधेरा होता है। तो फटाफट से यहाँ पे टॉर्च वगैरह बना लेते हैं। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ एक बार ना फार्म हार्वेस्ट कर देता हूँ एंड वहां से ना हम ब्रेड वगैरह भी काफी सारी बनवा लेते हैं, जो कि भाई खाने पानी की कोई दिक्कत ना हो। तो फटाफट से एक बार मैं पानी इकट्ठा करके लेके आता हूँ एंड फिर उससे हार्वेस्ट करते हैं। लेट्स गो, पानी बकेट में आ चुका है एंड फटाफट से चलते हैं अंदर की साइड पे। अब देखो यार दो तरीके हैं इसको हार्वेस्ट करने के, या तो अपने हाथों से ऐसे ऐसे करके कर लो या फिर मैं यहाँ पे ये पानी डाल दूं। ओए ये कैसा डल गया। हाँ तो ये कह रहा था मैं बीच में, या फिर ये मैं ऐसे पानी डाल दूं एंड सारे के सारे जो पोटैटो हैं वो हार्वेस्ट हो जाएंगे। बट उसके लिए ना मुझे यहाँ पे ब्लॉक लगाना पड़ेगा, तो मैं अपने हाथों से ही हार्वेस्ट कर देता हूँ इसे। और हाँ इस पानी की मदद से हम ऑटोमेटिक हार्वेस्टेड फार्म भी बना सकते हैं। बट यार उसको बनाने के लिए ना थोड़ा बहुत मटेरियल चाहिए, बट वो मटेरियल जब अपने पास आ जाएगा ना जब क्राफ्ट करेंगे उसे। तो लेट्स गो, फिलहाल के लिए यहाँ पे ये जल्दी से पोटैटो लगा देता हूँ। एंड भाई माइनक्राफ्ट में जितनी जल्दी रात होती है ना उतनी जल्दी में भी किसी गेम में नहीं होती होगी। मतलब अभी अभी सुबह थी एंड देखो शाम की तरफ होने को जा रहा है सूरज। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है। तो जितने भी दोनों फार्म थे ना उन दोनों को मैंने हार्वेस्ट कर दिया है एंड जो मुझे वीट मिला था ना उससे मैंने ये कुछ ब्रेड बना लिए हैं। और हाँ गाइस आज हम बनाने वाले हैं अपना एक न्यू वेपन बो। तो भाई वो बनाने ना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब कि माइनशाफ्ट में ना बहुत सारे मॉब होंगे। भाई यार एरो अभी मेरे पास 5 ही हैं, तो देखता हूँ इसका क्या करना है। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये बो बनाते हैं। तो बो शायद से मुझे पता है कैसे बनानी है। हाँ यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग रखनी है एंड यहाँ पे एक स्टिक आएगी यहाँ पे एंड यहाँ पे। लेट्स गो, बो अपनी तैयार हो चुकी है। अब देखो आगे का काम मुझे क्या करना है ना, एक बार तो मुझे यहाँ से ये फ्लिंट चाहिए, तो मुझे ना यहाँ पे एक जॉब बॉक्स बनाना है ऐसे करके एंड यहाँ पे ऐसे। हाँ ये फ्लैचिंग टेबल, तो इससे ना भाई एक बहुत ज्यादा बढ़िया हम काम करने वाले हैं, तो फटाफट से वहीं पे चलते हैं। ओके यहाँ से ना मुझे हाँ 2 एमरलेट चाहिए, तो लेट्स गो फटाफट से चलते हैं अपने नेबर विलेज में। तो वहां पे चल के मैं बताता हूँ क्या करेंगे हम। तो ओके गाइस मैं आ चुका हूँ अपने नेबर विलेज में एंड यहाँ पे मुझे ना एक विलेजर चाहिए जो जिसके पास मतलब काम धंधा ना हो। एंड यार रात जब भी हो जाएगी। वेट उधर कुछ विलेजर घूम रहे हैं शायद से। हाँ इनके पास नहीं है काम। यहाँ पे कोई विलेजर है जिसके पास कोई काम नहीं है। हाँ भाई 2 यहाँ पे घूम रहे हैं। हेलो सर, कोई जॉब लेना चाहेगा? जॉब 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 जॉब, सरकारी जॉब है, 50,000 तनख्वाह है, जॉब ले लो जॉब। ओ ले ली भाई, ले ली। लेट्स गो, अब तुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। अब मुझे ना इससे स्टिक्स ये वाली ट्रेड करनी है। तो जब ये मुझे एमरलेट देगा ना एंड जब इसका लेवल अप होगा तो मैं ना इससे फिर एरो भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो मेरे पास वुड भी काफ़ी सारी है, तो एक बार ना मैं स्टिक्स बना लेता हूँ यहाँ पे ऐसे करके। ओ भाई काफ़ी सारी बन चुकी हैं। हेलो सर, क्या हाल चाल? ये देखो भाई हाथ में एमरलेट लेके बैठा ना, ये ट्रेड करने के लिए तैयार है। ओ इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो फटाफट से ना इससे ट्रेड कर लेते हैं। लेट्स गो, व्हाट ए डील, एडवांसमेंट मिल चुकी है, बढ़िया। ओके तो गाइज इसका लेवल अपग्रेड हो चुका है जो मैंने इससे ट्रेड करी है। ओए अभी तू पागल है क्या, तुझे एक जॉब दिया है अभी यार, ये तो एरो ही नहीं सेल कर रहा। तो छोड़ो यार गाइस, मुझे नहीं पता अभी ये क्यों नहीं सेल कर रहा, इसके बारे में मुझे तुम बताना। एक बार इसे हटाता हूँ एंड मैं सोता हूँ इस पे। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है। अब देखो यार एरो वगैरह तो नहीं मिली है, बट मैं यहाँ से ना आयरन क्राफ्ट करके जाने वाला हूँ अपना। हेलो गोलम भाई, क्या हाल चाल, इधर आ 2 मिनट। ओए एक और है यहाँ पे ना। नहीं, मुझे वहम हुआ है। ओए आ रहा है ये तो फटाफट से, 1 2 3 एक और भाई। कभी पता लगा इस पौड़ी पे चढ़ के मार दिया इसने।
लेट्स गो। इसके अब ना क्रेडिट रेट पड़ेंगी भाई, तुमने बोला था एक्स से ना ज्यादा क्रेडिट पड़ती हैं, ऐसे करके। अबे विलेजर हट जा, तेरे टकले पे पड़ेगी। अबे कितना चला के, ये दूर हो चुका है, मुझे पता है भाई, ये पौड़ी पे चढ़ के मारेगा, मुझे पता है इसको मरने का ज्यादा शौक है। इतना लेट्स गो। कितने आयरन दिए इसने? 4 आयरन दिए भाई, काफी ज्यादा सही है। मे बी लैगिंग्स तो इससे बनी जाएंगी। यार आज गोलम नहीं है यहाँ पे, तो मुझे क्या लगता है ना, फटाफट से हमें अपने घर पे चलना चाहिए। ऑलराइट गाइस, आयरन वगैरह लेके मैं फटाफट से अपने घर पे आ चुका हूँ। एंड अब ना मुझे अपना आर्मर क्राफ्ट करना है, तो थोड़ा बहुत आयरन ना यहाँ पे भी रखा था भाई। 15 आयरन तो मेरे घर पे रखा है, मैं पता नहीं कहाँ पे घूम रहा हूँ। लेट्स गो। तो अब ना मुझे अपना आर्मर बनाना है, तो पहले तो मैं हेलमेट बनाने वाला हूँ। शायद से ऐसे बनता है ये। हाँ, बन गया। लेट्स गो। लेगिंग्स भी अपने बन चुकी है। एंड मुझे अब पैंट्स बनानी है, पैंट्स के लिए आयरन होगा। बट नहीं गाइस यार, आयरन मेरे पास बस 3 ही बचे हैं, एंड इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि शील्ड वगैरह भी मुझे दोबारा से क्राफ्ट करनी होगी, एंड पिकैक्स की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं इतनी आयरन से अपना काम चला लूंगा, ऐसे करके यहाँ पे। ऑलराइट, एक बार बाहर चल के देखता हूँ अब मैं कैसा लग रहा हूँ। भाई ऐसा लग रहा है सच्चे में जैसे पैंट नहीं पहन रखी मैंने। कोई बात नहीं, उसे भी क्राफ्ट करेंगे। अब फटाफट से जो मैंने चारकोल बनाए थे ना, उनसे मैं टॉर्च क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड ये स्टिक्स मुझे यहाँ पे रख के यहाँ पे चारकोल रखना है, एंड यहाँ पे अपनी टॉर्च बन चुकी है। मे बी 30 टॉर्च काफी होंगी, बाद में मैं बना लूंगा अगर बाद में जरूरत पड़ी तो। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है, एंड अपनी सारी की सारी तैयारी हो चुकी है, मतलब वेपन से लेकर टूल तक। एंड अब चलते हैं सीधा माइनशाफ्ट में। तो देखो यार, माइनशाफ्ट में जाने के ना 2 रास्ते हैं, मतलब जब पहले मैं एस्केप में गया था जब मुझे मिली थी। बट भाई एक रास्ता ना मुझे यहाँ से मिला है, अपने बिल्कुल घर की साइड से, मतलब मुझे पता ही नहीं था ये रास्ता सीधा माइनशाफ्ट में कनेक्ट होता है। नहीं, ये वाला नहीं है, ये भाई ये वाला रास्ता है। तो फटाफट से ना इसी रास्ते सीधा नीचे चलते हैं भाई। काम मुझे वहां से आना पड़ता है, बट अब मैं सीधा यहाँ से जा रहा हूँ। लेट्स गो। भाई एक बार ये केव देखो, लिटरली कितनी ज्यादा अंदर तक जा रही है। तो लेट्स गो, एक रास्ता ना मैंने यहाँ से बना रखा है, तो फटाफट से यहीं से चलते हैं। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ उसी जगह पे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम इस केव को छोड़ा था, एंड मुझे स्केलेटन की अभी से आवाज आ रही है। भाई यहाँ पे बहुत सारे मॉब होने वाले हैं। लेट्स गो भाई, डरने की कोई बात नहीं है, फटाफट से नीचे की साइड पे चलते हैं। एंड वेट भाई, ये माइनशाफ्ट तो कुछ अलग है, मतलब कि हवा में माइनशाफ्ट है ये। ओके, यहाँ से इस ब्लॉक को तोड़ो। ओ वेट, सही में कितनी ज्यादा डीप जा रही है ये। ओ नहीं, यानी कि भाई बहुत कुछ मिल सकता है हमें इस माइनशाफ्ट से। तो मेरे दिमाग क्या करता है ना, इधर की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक लगाने हैं। ओके, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे रखते हैं इस पानी को। एंड यहाँ पे ना मैं एक टॉर्च भी लगा देता हूँ, जो कि पता लग जाए मैं यहीं से आया हूँ, ऐसे करके यहाँ पे। एंड इस पानी को ना यहीं से कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इस पानी के ऊपर बैठ के चलते हैं। ओ वैसे मैं यहाँ से भी उतर सकता हूँ, ग्रेट। ऑलराइट गाइस, आखिरकार हम माइनशाफ्ट में पहुंच चुके हैं। पहले तो मुझे इधर जाना है भाई, कितना सारा आयरन है। ओ वेट, मुझे एंडरमैन की आवाज आ रही है, किसी की चलने की भी आवाज आ रही है भाई। मोब भरे हैं यहाँ पे। ओए भाई मार दिया, ओए मार रही है तो भाई, मुक्के बजा रहे हैं। इधर पीछे जा। मतलब भाई मैं तो गोलम वगैरह को कूट रहा था आयरन के लिए, बट यहाँ पे इतना सारा रखा है, तो यहाँ से काफी कुछ मिल जाएगा हमें। ओके, तो आयरन तो कलेक्ट कर लिया है, फटाफट से ना इधर की तरफ चलते हैं। एंड जो ये जाले वगैरह ना भाई, इनसे बच के रहना पड़ेगा, मतलब इनमें एक बार अटक गया ना मैं बिल्कुल स्लो हो जाऊंगा। ओ वेट, ये क्या चीज है भाई, ये कमरा बना पड़ा है यहाँ पे। ओके, कौन रहता है? ओके, मुझे ऊपर जाके देखना है यहाँ पे क्या चीज है। ओए वेट भाई, बहुत सारे मॉब घूम रहे हैं इस माइनशाफ्ट में। लेट्स गो, आगे चलते हैं। ओके, कौन है यहाँ पे? ओए यहाँ पे ये स्पाइडर स्पोनर है, एंड जहाँ पे भाई स्पोनर होता है वहाँ पे कुछ चेस्ट वगैरह भी मिलती हैं, तो मैं तो इधर जाने वाला हूँ, बस हाँ थोड़ा सा ध्यान से जाना पड़ेगा मुझे। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले तो इन जालों को हटाओ, एक बार मैं इनमें फंस गया ना दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। भाई मकड़ी मुकड़ी की मुझे बहुत ज़्यादा जोर की आवाज़ आ रही है। ओए, ये सामने मकड़ी है भाई साहब, पॉइजन दे दिया। भागो। अबे वो तो वहीं पे रहेगी भाई, ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा घूम रहे हैं। ओए ये कहाँ से गिरा? ओए अबे बहुत ज़्यादा कूट रहे हो तुम, मुझे ना थोड़ा ध्यान से मारना, मतलब कि इनके हाथ लग रहे हैं मुझे। क्या कहा अभी, क्या? ओ भाई साहब, क्रिपर ब्लास्ट हो गया यहाँ पे। क्या माइनशाफ्ट है? कोई ऊपर से आ रहा, कोई नीचे से आ रहा, कोई पीछे से आ रहा, कोई आगे से आ रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा है। एंड यहाँ पे अभी भी है क्या वो? अभी नहीं है। मैं क्या करता हूँ ना, फटाफट से यहाँ पे एक टॉर्च लगा देता हूँ, बस यार यहाँ पे स्पोन ना हो जाए, मतलब कि मैंने टॉर्च वगैरह तो लगा दिया है। भाई इस स्पोनर के ऊपर ही मैं एक टॉर्च लगा देता हूँ, अब शायद से बिल्कुल नहीं होगी। एंड इस स्पोनर को मैं बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा, यहाँ से हम अपना एक्सपी फार्म बना सकते हैं।
एंड बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी आने जाने में। बस मुझे पीछे भी ध्यान रखना होगा कोई आ ना जाए। मैं इतनी सारी स्ट्रिंग तोड़ चुका हूँ बट मुझे अभी तक कोई चेस्ट ही नहीं दिखी है। वेट, एक रास्ता और जा रहा है आगे की तरफ। मैं यहाँ पे लेट्स गो। मुझे पता था कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी कुछ आयरन है भाई। मेरे दिमाग में ना एक बढ़िया सा आइडिया आ रहा है। मतलब मैं यहीं पे फर्नेस बना के ना इस आयरन को पका लेता हूँ एंड अपनी पैंट्स भी बना लेता हूँ। पहले तो इस चेस्ट में देखते हैं क्या है। गोल्डन वेरी मुझे मिली है, मतलब ग्लो वेरी। एंड यहाँ पे ये नेम टैग है, रेड स्टोन है। एंड ब्रेड भी मिल गया खाने पीने के लिए, टोर्च भी मिल चुकी है। एंड ये क्या है, मेलन सीड। ओके, इनकी भी खेती करेंगे अपने घर पे। एंड वेट, ये 12 टोर्च तो यहीं पे रह गए भाई, मुझे एक दो ना। तो अब यहाँ पे एक बार क्राफ्टिंग टेबल लगाता हूँ एंड यहाँ से मुझे इससे बनानी है एक फर्नेस। एंड इसमें रखना है मुझे ये सारा का सारा आयरन। एंड सीमेंट करने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोल यहाँ पे बहुत सारा है। एंड सीधा ले जाके इसको यहाँ पे रखते हैं। एंड गाइज, भाई यार मेरी इन्वेंटरी ना मतलब कि बहुत ज्यादा भर चुकी है एंड ये माइन शाफ्ट बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो मैं सोच रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से एक चेस्ट बना लेता हूँ ऐसे करके। एंड इस चेस्ट को ना वहीं पे प्लेस करके आता हूँ जहाँ पे मतलब वो खुला सा कमरा है। तो वहां से जाते जाते ना ये सारे सामान को भी कलेक्ट करके ले जाऊंगा मैं। ओए भाई, मकड़ी थी वहां पे। हाँ तो मैं ये वाली जगह कह रहा था। ओए यहाँ पे भी एक रास्ता जा रहा है। बट वेट, पहले मैं यहाँ पे ये चेस्ट लगाऊंगा एंड यहाँ पे ये सारा का सारा सामान रख देता हूँ मैं। लेट्स गो। ओके, अभी तक अपना आयरन भी सीमेंट हो गया होगा। अब फटाफट से ना मुझे इसकी एक पैंट बनानी है ऐसे करके। एंड एक ना मुझे आयरन स्वॉर्ड भी बनानी है क्योंकि वो अपनी वाली ना ब्रेक हो चुकी है। तो फटाफट से ना ये मैं पैंट भी पहन लेता हूँ। एंड अब अपनी काफी ज्यादा प्रोडक्शन हो चुकी है। लेट्स गो, अब चलते हैं आगे एक्सप्लोर करने के लिए। एंड इसको ना मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ, मतलब कि कभी मैं भूल जाऊँ इसको मैंने एक्सप्लोर ही किया था। अब मैं चलता हूँ इधर की साइड पे एंड मुझे एक चेस्ट आगे और दिख रही है। एंड यहाँ पे इतना सारा फिर से आयरन है एंड वो रेड स्टोन है जो मुझे वहां पे मिले थे चेस्ट में। एंड वेट, ये क्या, अच्छा मुझे लगा हवा में चेस्ट उड़ रही है। भाई मैं अभी क्या क्या देख रहा हूँ। यहाँ पे पहले से टॉर्च लगी हुई है। ओ भाई कितनी सारी चेस्ट हैं। भाई पूरी माइनशाफ्ट को छाड़ दूंगा मैं तो आज। लेट्स गो, पहले तो इस वाली चेस्ट में देखते हैं क्या है। पहले मैं यहाँ पे भाई आयरन तो भर भर के है। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओ भाई कितना सारा कोल है एंड कितनी सारी यहाँ पे रेल्स भी मिल चुकी है मुझे। ओ वेट, एक गोल्डन एप्पल भी मिल चुका है मुझे। लेट्स गो, एंड इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ एंड आगे जाके इस चेस्ट में देखता हूँ क्या है। वेट, यहाँ पे मुझे एक टॉर्च लगानी है। ओ वेट, यहाँ पे मुझे गोल्ड मिल चुका है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। भाई नीचे अगर मैं केव में माइन करने जाऊंगा ना, गोल्ड हीरे भाई सब कुछ मिलेगा। एंड यहाँ पे अपना फर्स्ट गोल्ड भी मुझे मिल चुका है। लेट्स गो भाई, फटाफट से माइन करो। मैं तो मतलब खुश हो चुका हूँ इसे देख के। वेट, अबे भाई यार मैंने स्टोन पिकैक्स से उसे माइन कर दिया, मुझे बिल्कुल नहीं मिला वो। ओके ओके, कोई बात नहीं। पहले ना मैं इसको देखना चाहता हूँ इसमें क्या रखा है। क्या कुछ नहीं मिल रहा, ये क्या चीज है, लैपिस लजूली है भाई। मुझे लगा डायमंड्स हैं। हाँ बट मुझे डायमंड पता है ऐसे नहीं दिखते हैं, वो थोड़े से ना मतलब के स्काई ब्लू टाइप से दिखते हैं शायद से, नहीं थोड़ा सैन कलर होता है। बट ये ग्लोबेरी बहुत ज्यादा मिल रही है मुझे। एंड यहाँ पे मुझे एक और गोल्डन एप्पल मिल चुका है। एंड यहाँ पे इतनी सारी टॉर्च मिल चुकी हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 51 टॉर्च हो चुकी हैं। सारी की सारी माइन शाफ्ट एक्सप्लोर कर दूंगा मैं। एंड अब मुझे यहाँ से ना ये गोल्ड इकट्ठा करना है। लेट्स गो। अबे यार तीन थे बट एक मैंने खराब कर दिया। और हाँ यहाँ पे ना ये रेल्स वो होते हैं तो बाद में ना इनको आके कलेक्ट करेंगे अपने ना घर के आसपास, भाई फार्म बनाने के काम आएंगी है। ओके, तो अब एक रास्ता इधर की साइड पे जा रहा है एंड एक रास्ता इधर की साइड पे जा रहा है। एंड मैं आया था उस रास्ते से। पहले यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे तो कुछ नहीं है भाई, बंद करो इसे। एंड अब मुझे इधर की साइड पे जाना है तो यहाँ पे क्या है, शायद से ये भी छोटी सी एक केव है। यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ भाई यहाँ पे भी कुछ नहीं है बट यहाँ पे रेल्स बहुत सारी हैं, इसे बाद में आके ले जाएंगे। ओके, तो मैं ना शायद से इधर की साइड पे नहीं गया। हाँ हाँ ये न्यू वाली जगह है। ओके, ओए ये कैसी माइन शाफ्ट है। ओ नहीं नहीं नहीं, ग्रे वाला ऊपर। भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मौत है बस। ओके, मैं इधर जा चुका हूँ, अब मुझे जाना है इधर की साइड पे। यहाँ पे भी काफी सारी जगह जो मैंने एक्सप्लोर नहीं करी। वो ऊपर की साइड पे माइन शाफ्ट है, तो यहाँ पे लगाओ एक टॉर्च एंड अब चलता हूँ ऊपर की साइड पे। ऑलराइट, भाई कितने सारे रास्ते जा रहे हैं। पहले इधर चलते हैं। भाई आयरन तो भर भर के है भाई माइन शाफ्ट में। मतलब जहाँ देखो वहां पे आयरन। एंड वेट, मेरी सारी की सारी चेस्ट फुल हो चुकी है। देखो यार आयरन तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भर भर के है, तो इसको भी ना बाद में माइन करने के लिए आएंगे जब मैं यहाँ पे ये रेल वगैरह इकट्ठे करने के लिए आऊंगा। फिलहाल के लिए ना यहाँ पे चेस्ट वगैरह ढूंढते हैं, मतलब कौन से चेस्ट में क्या कुछ है। ओके, ओ वेट, यहाँ पे कोई रास्ता जा रहा है नीचे एंड लावा है। ओके, पहले मुझे इस साइड पे देखना है इस साइड पे क्या है।
भाई आगे फिर से ये मकड़ी के जाले एंड यहाँ पे कोई स्पाइडर वगैरह रहती है क्या? नहीं 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 बंद है ये भाई, इधर तो कुछ नहीं था। अब मैं देखने वाला हूँ इस लावा वाली जगह को, बट यहाँ पे लावा है तो लावा को पहले बंद करो भाई। लावा अपने पास लावा पूल भरा है तो इस लावा की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ओए इस लावा से इतनी ज्यादा रोशनी थी क्या यहाँ पे? ओके यहाँ पे टॉर्च लगाओ। क्या है यहाँ पे? अबे कुछ नहीं है भाई, बंद है। ऑलराइट तो अबे एक रास्ता इधर की तरफ जा रहा है तो इधर चल के देखते हैं इधर क्या है। ओ यहाँ पे पानी है। ओ गाइस मुझे स्केलेटन की आवाज आ चुकी है। पहले इस पानी को बंद करो, मुझे इधर वाली जगह देखनी है इधर क्या है। ओ गाइस क्रीपर आ रहा है भाई। क्रीपर बेटे पीछे हो जा। मैं इससे दूर हो गया, ये फिर भी फट गया। कोई भरोसा नहीं भाई इनका, कभी भी ये फट सकते हैं। लिटरली मैं तो इनसे दूर ही रहूंगा आज से। ओ एक रास्ता यहाँ पे भी नीचे जा रहा है एंड यहाँ पे मुझे स्पॉनर मिल चुका है। यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी भाई, ज़ॉम्बी कुछ ज्यादा ही नहीं बन रहे हैं। नीचे रह। पहले यहाँ पे टॉर्च लगाओ। शुक्र है भाई एक ही ज़ॉम्बी स्पॉन हुआ था। गाइस मुझे दो स्पॉनर मिल चुके हैं, यानी कि भर के एक्सपी। लेट्स गो। ये देखो कैसे घूम रहा है इसके अंदर। ओए बाहर नहीं निकलने दूंगा तुझे, तेरे सिर के ऊपर टॉर्च लगा देता हूँ, रुक जा तू। लेट्स गो अब देखते हैं इसमें क्या है। ऑलराइट मुझे दो काम की चीज मिल चुकी है भाई। यहाँ पे सैडल है एंड गोल्डन एप्पल है। पहले तो इसको कलेक्ट करो एंड मुझे यहाँ पे सैडल भी चाहिए। अबे क्या गिर दूं मैं, ये गिर देते हैं। फाइनली भाई अब मैं हॉर्स को टेम कर सकता हूँ एंड उस पर राइड भी कर सकता हूँ। ओके इसको स्पॉनर को याद रखने के लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि मकड़ी वाला स्पॉनर तो ऊपर की साइड पे है बट ये थोड़ा डीप है। ओके तो मैं ना यहाँ पे टॉर्च लगा देता हूँ तो मुझे पता रहेगा, मतलब की ऊपर की साइड पे टॉर्च लगी हुई है ना, तो यानी की इधर की साइड पे वो स्पॉनर है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में आके देखेंगे। एंड जहाँ से क्रीपर आ रहा था ना, यहाँ से मुझे देखना है यहाँ पे क्या है। ये भी काफी अंदर डीप तक जा रही है केव। ओह यहाँ पे गोल्ड मिला है मुझे एंड इस बारी मैं ध्यान से इसे माइन करूंगा आयरन की पिकैक्स से। बस यार ऊपर से कुछ मॉब वगैरह नहीं गिर जाए, कभी पता लगा मतलब के क्रीपर ही आ जाए। एंड वेट भाई यहाँ से मुझे 5-6 गोल्ड मिल चुके हैं। ओके सही है भाई, बहुत ज्यादा लकी होती जा रही है ये माइन शाफ्ट। एंड वेट ये कौन सी माइन शाफ्ट है, ये खत्म हो चुकी है यहाँ पे। और देखते हैं और क्या चीज है यहाँ पे। एक नीचे की साइड पे ये जा रही है जगह, शायद से मैं इधर की साइड पे नहीं गया अभी तक। ओए भाई मैं भागता भागता नीचे गिर जाता। ओके ये वो वाली जगह है, मतलब कि यहाँ पे ना अपना वो रूम है, वो देखो चेस्ट रखी है यहाँ पे, यहीं से ज़ॉम्बी वगैरह गिर रहे थे। पहले तो इसको यहाँ से ऐसे ब्रेक करो, यहाँ पे ये ब्रिज बनाओ एंड अब चलते हैं। यहाँ पे ये टॉर्च एंड आगे से फिर से क्रीपर आ रहा है। क्रीपर बेटे पीछे हो जा। फट गया भाई फट गया। मैं बोलने वाला था फटना नहीं है तुझे बिल्कुल भी, फट ही गया ये। ओ यहाँ पे भी कोई केव सी जा रही है। ओके आगे चलते हैं। किस साइड से आया था ये क्रीपर? इस साइड से आया था एंड यहाँ से मुझे फिर से मकड़ी दिख चुकी है मकड़ी। अच्छा ये नॉर्मल वाली है बट इससे भी बच के रहना होगा, क्योंकि ये देखो थप्पड़ मार रही है बहुत कस के। मैंने भी स्वॉर्ड बजा दी। क्या चीज है यहाँ पे, क्यों घूम रहे हो तुम इतने? ओ अच्छा एक नीचे से जगह जा रही है। पहले यहाँ पे टॉर्च लगाओ। यार मुझे कोई चेस्ट वगैरह नहीं मिल रही है एंड स्केलेटन की मुझे बहुत दबा के आवाज आ रही है, किसी आस पास की जगह पे घूम रहा है वो। रुक जाओ। एक बार इधर देखते हैं। वो यहाँ पे पानी है एंड ये पानी भी नीचे की साइड पे जा रहा है। पानी से कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देखता हूँ क्या है। ओके तो ये किसी नीचे जगह पे जा रहा है तो दिक्कत है भाई, ये मुझे डुबा लेगा नीचे साथ में। क्या है यहाँ पे? ओ भाई साहब ये छुपाया जा रहा था मेरे से अभी तक भाई। इतनी ज्यादा डीप है ये केव लिटरली भाई, कोई पीछे से आके दप्पा ना कर दियो, मतलब नीचे जितना हो सकता ना उतनी ज्यादा नीचे। ओए वेट, मुझे एक कमाल की चीज दिख रही है भाई, तुम्हें पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही है, बट नीचे डायमंड है गाइस, नीचे डायमंड है भाई, वो देखो वहां पे गाइस। यार नीचे डायमंड तो है एंड थोड़ा मुश्किल भी है उसे लेना, बट यार नीचे इतना ज्यादा डीप है, मैं ऊपर कैसे आऊंगा? बट चलो ऊपर तो कैसे भी करके आ जाऊंगा, यहाँ पे ये वाटर है बट मैं नीचे कैसे जाऊंगा? एंड भाई नीचे एक ब्लॉक है, मतलब कि ओए यहाँ पे भी डायमंड है भाई, मैं नीचे देख रहा हूँ यहाँ पे भी डायमंड है मे बी। ओके टॉर्च। ओ गाइस डायमंड है भाई, डायमंड है, यहाँ पे भी डायमंड है। लेट्स गो, पहले तो मुझे डायमंड चाहिए तो लेट्स गो, यहाँ से चलते हैं ब्रिज बनाते हुए। देखो यार नीचे पता नहीं मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, बट मैं ये वाला डायमंड तो एटलीस्ट कलेक्ट करके जाऊंगा। मे बी ना वो यहीं पे था एंड मैं रिक्स बिल्कुल नहीं लूंगा तो मैं ऐसे करके जाऊंगा बिल्कुल, कि मैं यहाँ पे तो आ चुका हूँ। ओ भाई मुझे नीचे एक और डायमंड दिख रहा है वहां पे, तुम्हें दिख रहा है? यार अगर मेरे पास ऑप्टिफाइन होता ना, मतलब कि मैं सी दबा के फिर जूम कर देता, बट अभी मैं कर ही नहीं सकता हूँ। मैं अभी नीचे गिर जाता भाई, इसी ब्लॉक पे माइन कर रहा था एंड ये रहा डायमंड। लेट्स गो एक ब्लॉक और भाई, फर्स्ट डायमंड, लेट्स गो, अपना फर्स्ट डायमंड इस सीरीज का।
भाई भाई क्या मजे आ रहे हैं, मतलब कि इस जगह पे डायमंड मिला है मुझे एंड इसको मुझे लेना है भाई। यहाँ पे मैं एक ब्लॉक लगा देता हूँ जो कि ये नीचे बिल्कुल ना गिरे। ओके माइन करते हैं इसे। मिला है मुझे? अच्छा अच्छा मेरे सामने तो गिरा है, मैं भी कहूँ मिला ही नहीं है मुझे। रुक जाओ, क्या करना चाहिए इसके लिए? ये रो आयरन गिर देते हैं भाई, इसके लिए तो डायमंड भी चलेगा। ओके अच्छा ये कोई न्यू ब्लॉक है एंड डायमंड, लेट्स गो। एडवांसमेंट भी मिल चुकी है डायमंड्स वाली भाई, पहला डायमंड आ चुका है अपने हाथ में। कहाँ पे है, कहाँ पे है? ये रहा भाई हीरे, सोना, सब कुछ मिल चुका है एंड डायमंड भी। एंड भाई नीचे बहुत सारे डायमंड हैं एंड वो क्या चमक रहा है? वेट तुम्हें दिख रहा है वो क्या चमक रहा है नीचे की साइड पे? पता नहीं भाई क्या चमक रहा है, बट नीचे जो केव है ना इतनी ज्यादा बड़ी भाई, वहां पे भी बहुत सारे डायमंड है, यहीं से दिख रहे हैं मुझे। ओए भाई पता नहीं कौन से बटन दब रहे हैं, अभी नीचे गिर जाता मैं। ओके तो देखो जो नीचे है ना डायमंड वो ओपन में ही है, तो उनको ना कभी भी आके माइन कर लेंगे। तो पहले ना आज एक बारी मैं माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, यहाँ पे और क्या मुझे मिल सकता है। तो फटाफट से चलते हैं ऊपर की साइड पे। ओके तो एक जगह अब इधर भी जा रही है एंड एक जगह पीछे भी थी, तो पहले ना पीछे वाली एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओए तुम कहाँ से आ गए? भाग यहाँ से, भाग। अबे भाई वहीं से बजा रहे हैं बेटे, आज मैं भी बो बना के ले आया हूँ। ओके तो मैं आया कहाँ से था, मुझे तो ये नहीं पता लग रहा। ओके शायद से मैं इस साइड से आया था एंड कितने सारे ज़ॉम्बी हैं। हाँ हाँ इसी साइड से आया था। ओ भाई ज़ॉम्बी को मार दिया उसने। अबे ये घूम रहे यहाँ पे, चलो चल। ओए यहाँ पे भी हैं भाई साहब, नीचे से मार रहे ये तो। और रेड गाइस अब यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार इधर चल के देखते हैं भाई इधर क्या कुछ है। तो फटाफट से यहाँ से माइन करो भाई, बहुत सारे स्केलेटन्स की आवाज आ रही है मुझे, मुझे नहीं लगता मतलब कि ज्यादा आसान होने वाला है। तो फटाफट से आयरन के स्वॉर्ड लेके मैं तो बस कूद जाता हूँ एंड यहाँ पे बैट है भाई, इससे डर गया मैं तो। एंड ये ओ हेलो सर, क्या हाल चाल? अबे ऐसे घुसते अंदर हैं, इधर आने दो इसको, इधर आने दो। अब खा गया, लेट्स गो, पीट दिया। एंड यहाँ पे क्या है? ओ लेट्स गो, आना सफल रहा भाई। यहाँ पे एक और माइन शाफ्ट विद चेस्ट है। ओके यहाँ पे क्या है? ओबे भाई साहब यहाँ पे तो मोब ही मोब है, पड़ जा क्रिपर। तू क्या बेटे? ओ नहीं 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 नहीं, ये नहीं 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 भाई, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, पीछे हो जा बच्चे बच्चे पीछे हो जा। कहाँ पे गया भाई? ये तो अलग ही है मतलब कि, ओ नीचे गया, ओ नीचे गिर गया वो भाई, नीचे गिर गया वो। अच्छा अभी भी यहीं पे है, बड़ी किस्मत अच्छी है इसकी तो, पता नहीं कैसे बच गया। ओए इधर से आ रहा है, कितना ज्यादा चलाक बच्चा है ये। ओके ये कहाँ पे जा रहा है? अच्छा ये भी यहीं पे जुड़ रही है। अच्छा ये वहाँ पे है एंड यहाँ पे क्या है? ओ यहाँ पे कोई स्पाइडर है, ये वाली जगह मैंने चेक नहीं करी, यहाँ पे ये जो की स्पाइडर चिपकी हुई है। ओ यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी है, आगे एक और माइन चेस्ट रखी हुई है, लेट्स गो। ये वाली जगह मैंने चेक ही नहीं करी थी। अच्छा मैं इस वाली जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे वो ज़ॉम्बी वगैरह चढ़े हुए थे। ये तो काफी ज्यादा सही है, कितनी ज्यादा बड़ी माइन शाफ्ट मिली है हमें। यहाँ पे क्या, हर एक चेस्ट में गोल्डन एप्पल तो रखी रखे हैं, मुझे नहीं पता कैसे मिल रहे हैं, शायद से ये मिल जाते हैं नॉर्मली अगर इतनी ज्यादा जल्दी मिल रहे हैं तो, अगर नहीं मिलते तो शायद से मैं कुछ ज्यादा लकी हो रहा हूँ यहाँ पे। ओके इधर क्या है? ओ तो ये वही वाली जगह है जहाँ पे शायद से मैंने, नहीं 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 ये वो वाली जगह नहीं है। एंड वेट अगर मैं आई गया हूँ तो यहाँ पे अपना सामान भी रख देता हूँ। एंड पहले तो यहाँ पे डायमंड रखो, क्योंकि भाई अगर ये चला गया तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ माइन शाफ्ट में भी आने का। ओके तो सामान मैंने रख दिया है, फटाफट से चलते हैं उधर की साइड पे जहाँ पे एक और चेस्ट मैंने देखी थी बट उसको मैंने खोला नहीं। तो वो चेस्ट ना कहाँ पे गई, कहाँ पे गई? इधर की साइड पे, नहीं यार इधर की साइड पे तो मैं गया ही नहीं। हाँ इधर की साइड पे गया था एंड फिर इधर की साइड पे गया था एंड ऊपर गया था एंड हाँ ये वाली जगह थी भाई। भूल भुलैया तो है बट तुम्हारे भाई ने ढूंढ ली वो वाली जगह, मैं तो सोच रहा था मैं गुम ही हो गया। मुझे ना चेस्ट यहीं कहीं पे मिली थी, वेट हाँ ये रही। एंड वेट नीचे एक और रास्ता जा रहा है बट वो बंद है, बट आयरन यहाँ पे भी भर भर के है भाई। लेट्स गो में देखते हैं क्या है। गोल्डन एप्पल, ओ वेट एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिल गया यार, ये इतने ज्यादा नॉर्मल है क्या? पहले इतने सारे गोल्डन एप्पल मिले एंड अब एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल एंड एक और मुझे रेसिपी मिली है मुझे कुछ यहाँ पे। तो मुझे नहीं पता ये गोल्डन एप्पल गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल इतने ज्यादा नॉर्मल है जो कि हर एक जगह पे मिल रहे हैं, तो तुम बताना मुझे कमेंट में मतलब कि ये क्या हिसाब है इसका। तो ओके गाइस काफी सारी हमने माइन शाफ्ट एक्सप्लोर कर लिया है बट अभी भी ना कुछ कुछ जगह रहती हैं, जैसे कि ओए लग जा ये वाली जगह, तो इसको थोड़ी सी एक्सप्लोर करते हैं
एंड फिर जितना अपने पास सामान है ना इसको ऊपर पहुंचाने की तैयारी करता हूँ मैं। ओके यहाँ पे मुझे लगानी है ये टॉर्च। ओ भाई ये तो अंदर तक जा रही है कि यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है, शायद से मैं आया नहीं हूँ यहाँ पे। हाँ यहाँ पे मैं आया नहीं हूँ एंड यहाँ पे मुझे आयरन मिल चुके हैं, ब्रेड मिल चुकी है, काफी सारी रेल मिल चुकी हैं एंड पम्पकिन सीड, भाई सीड वगैरह काफी ज्यादा मिल रहे हैं, इनकी भी खेती करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे ये लगाओ। ओ भाई बहुत ज्यादा बड़ी केव है ये, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी माइन शाफ्ट है ये। इधर क्या है, इधर कुछ नहीं है। ओ ये क्रीपर, हाँ बेटे क्रीपर फंस गया वहीं पे, इसको तो ऐसे मारेंगे, बढ़िया। ओ इसका गन पाउडर मिला ना, उससे TNT बनाने की रेसिपी खुल चुकी है। एंड वेट भाई क्या कुछ नहीं मिल रहा मुझे आज, वेट 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 गाइस नीचे देखो भाई, मुझे ये चमकीले पत्थरों वाली ये गुफा से मिल चुकी है। एंड वेट ये काफी ज्यादा डीप है, हाँ वो देखो भाई माइनशाफ्ट के साथ ये चमकीले पत्थर वाली भी केव जुड़ी हुई थी। एंड शायद से ना यहाँ पे हमें काफी कुछ मिल सकता है क्योंकि भाई बहुत ज्यादा देर होती है ये शायद से। ओके यहाँ पे ना मैं ऐसे काफी सारे टॉर्च लगा देता हूँ जो कि मुझे पता रहे कि ये वाली वो जगह है जहाँ पे चमकीले पत्थर वाली केव है, तो इसको भी ना मैं बाद में जाके देखने वाला हूँ। मतलब मैंने देखा ना लोगों को माइनशाफ्ट में ना चेस्ट होती है जो उनमें काफी ज्यादा ना डैम्स मिल जाते हैं, मतलब काफी ज्यादा तो नहीं एक दो मिल जाते हैं, बट मुझे तो एक भी डायमंड नहीं मिला है भाई। गोल्डन एप्पल पे गोल्डन एप्पल मिले जा रहे हैं बस, अब पता नहीं मेरे वाला डायमंड कहाँ पे किस चेस्ट में लुक के बैठा है। बेटे स्केलेटन रुक जाइए पे रुक जा। ओ यहाँ पे भी गोल्ड मिल चुका है। एंड आगे देखो भाई एक और मुझे चेस्ट मिल चुकी है। एंड ये गुफा अंदर तक जा रही है, उसको बाद में देखेंगे। एंड यहाँ पे काफी ज्यादा आयरन है। एंड ये वाली जगह किस, ओए ये कैसी आवाज थी भाई, बहुत ज़रा डरावनी सी आवाज थी। एंड यहाँ पे क्या है, ओके तो मैं उस जगह पे आ चुका हूँ जहाँ से हम नीचे आए थे। ऑलराइट ओ तेरी ओए ये कहाँ से आ गया, ओए मेरे सिर पे टपक गया है भाई साहब, ऊपर से आया ये। ऑलराइट गाइस तो यानी कि मैंने इस साइड की सारी माइनशाफ्ट एक्सप्लोर कर लिया है, तो अब ये वाली जगह रहती है एंड एक ये वाली, तो इसको सोच रहा ना मैं बाद में करूंगा। तो जितना भी सारा का सारा मुझे यहाँ से सामान मिला ना इसको फिलहाल के लिए अपने घर पे लेके चलते हैं। तो पहले ना मैं यहाँ पे एक चेस्ट मुझे मिली थी, वो मुझे चेस्ट ओपन करनी है, तो शायद से हाँ इधर की साइड पे थी वो। एंड जो यहाँ से आयरन एंड मुझे गोल्ड मिला ना वो भी लेके चलते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, ओ यहाँ पे ओए ये क्या चमक रहा है, पता नहीं भाई क्या है, मतलब डायमंड जैसे इनकी शक्ल है बट मैं इनके झांसे में नहीं आने वाला, ये हिल रहे हैं तो डायमंड तो पक्का नहीं होंगे। तो फटाफट से ना इधर वाली एक बार चेस्ट खोल लेते हैं। एंड यहाँ पे भी कुछ केव जा रही है एंड कितनी बड़ी माइनशाफ्ट है भाई ये। ओए डायमंड मिल गया, लेट्स गो लेट्स गो, हाय डायमंड मिल गया मुझे यहाँ पे। इतनी ज्यादा दबा के क्यों आवाज आ रही है ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी की, उसको छोड़ो पहले यहाँ पे क्रीपर को फोड़ो। हेलो क्रीपर भाई क्या हाल चाल, फट जा जल्दी से। ये पड़ा ओ यहाँ पे ये कुछ अलग है। अच्छा ये इनसे मिलते हैं नीले नीले से, किसको गिरूं, हाँ इसको गिर देते हैं। एंड मुझे जो डायमंड मिला था ये रहा अपना डायमंड, लेट्स गो डायमंड डायमंड डायमंड, एक और होना चाहिए। ओ वेट भाई इस जगह पे मुझे 3-4 डायमंड इकट्ठे मिल चुके हैं भाई कितने हैं कितने, पहले देखो यहाँ पे हैं कितने। ओ भाई साहब इतनी जगह, भाई मैं कितना ज्यादा लकी हूँ, मतलब गोल्डन एप्पल मिल रहे हैं, डायमंड मिल रहे हैं, गोल्ड मिल रहा है, इतना ज्यादा आयरन मिल रहा है, कोल मिल रहा है, भाई सब कुछ मिल रहा है मुझे। एंड ये इतने की और भी है, मुझे पहले देखना है ये हैं कितने। गाइस भाई यहाँ पे भी डायमंड है, वेट ये क्या हो रहा है भाई, सपना देख रहा हूँ मैं भाई, यहाँ पे भी डायमंड है, ये क्या चीज है। ओके और नीचे है क्या, नहीं नहीं और नीचे नहीं है, इतनी ज्यादा लालच अच्छा नहीं है, बट भाई कितना सारा यहाँ पे डायमंड है ये। ओके गाइस ये देखो भाई मुझे कितने सारे यहाँ पे डायमंड्स मिले। एंड हाँ जो मैंने ये ब्लॉक ब्रेक कर दिया ना डायमंड का, मतलब तुम अगर इसको यहाँ पे प्लेस करते हो तो मुझे 2x2 का एक डायमंड का पूरा ब्लॉक मिला था भाई भाई कितने सारे डायमंड मिल गए एंड वो भी इतनी ज्यादा हाइट पे। मतलब मैंने सुना ना ये बहुत ज्यादा नीचे जाके हमें माइन करने पड़ते हैं, बट ऊपर की साइड पे मुझे इतने सारे डायमंड मिल गए ये, यानी कि भाई अभी माइनशाफ्ट बहुत ज्यादा मतलब बड़ी है एंड यहाँ पे बहुत सारा खजाना है, मैंने पहले ही बोला था तुम्हें लेट्स गो भाई डायमंड्स मजे आ गया है। और वेट मुझे ना एक एंचेनमेंट के बारे में पता है, मतलब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट अगर उस एंचेनमेंट को मैं अपने टूल पे लगा लेता हूँ एंड किसी भी चीज को माइन करता हूँ ना तो वो चीज ना डबल हो जाती है। मतलब एक डायमंड में माइन करूंगा तो मुझे उसके डबल होके 2 मिल सकते हैं,
वैसे गाइस यार मेरा मन पता क्या कर रहा है, मतलब यहाँ से मैं एक डायमंड और माइन कर लूँ एंड उससे ना अपनी फिर एक डायमंड स्वॉर्ड बन जाएगी, मतलब फिर ज़ॉम्बी की अच्छे से धुलाई कर पाऊंगा मैं। बट यार मैं सोच रहा हूँ मतलब कि उस एन्चेंटमेंट को लगाने के बाद ही मैं सारे डायमंड को माइन करूँ, तो फटाफट से जो मैंने एक डायमंड माइन करा ना इसको मैं ले लेता हूँ। वैसे हाँ, दो डायमंड तो मेरे पास हो ही चुके हैं। अबे मैं भी क्या पागल हूँ, मैंने गलती से एक डायमंड यहाँ पे माइन कर लिया था। लेट्स गो, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हाँ फटाफट से ना तुम एक बार उस एन्चेंटमेंट के बारे में मुझे बता देना, फिर इन सारे डायमंड को माइन करेंगे जो यहाँ पे है एंड जो नीचे की साइड पे है। तो ओके, मैंने यहाँ पे ना काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन कर लिया है। यहाँ पे क्या है भाई? ओके, तो अंदर की साइड पे भी मतलब के ये माइन शाफ्ट जा रही है। हाँ ये देखो यार, ये माइन शाफ्ट कितनी ज्यादा बड़ी है। एंड गाइस अब मैं और एक्सप्लोरेशन बिल्कुल नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पास टॉर्च नहीं है एंड ये माइन शाफ्ट जितना मैं आगे जा रहा हूँ ना उतनी ज्यादा बड़ी होती जा रही है, तो इसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे पास जितना सामान है ना उसको लेके चलते हैं अपने घर पे। तो अब मुझे फटाफट से वो रूम ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मैंने अपना सामान रखा था। एंड वेट, ये चेस्ट मैंने ओपन करी है। भाई ये चेस्ट मेरे से मिस कैसे हो गई? यहाँ पे मुझे एक एन्चेंटेड बुक मिली है। ओ वेट, फायर प्रोटेक्शन 4 की मुझे एक एन्चेंटेड बुक मिली है एंड यहाँ पे 3 गोल्डन इंगट मिले हैं मुझे एंड इतने सारे रेस तो अपने पास काफी सारी हैं। बट ये एंड यहाँ से एक गोल्ड उठा लेता हूँ एंड ये यहाँ से एन्चेंटमेंट बुक एंड इसको गिरो, यहाँ से ये मैं रेल भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और क्या कह सकता मैं, फर्नस की अभी कोई जरूरत नहीं है, सीड ले लेते हैं। और राइट, तो भाई ये चेस्ट पता नहीं मेरी आंखों से कैसे बच गई एंड इसी में इतना सारा खजाना था। इसको तोड़ो पहले तो यहाँ से। ओके, तो वो रूम कहाँ पे मिलेगा? वैसे देखो यार मैं उस रूम के आसपास ही घूम रहा था क्योंकि मेरे को ना वो वाली जगह मिल गई थी जहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता था अपना। ये वाली जगह मुझे थोड़ी सी याद है, मैं तो डायमंड माइन करने के लिए आया था। तो अब मैं चलता हूँ इधर की साइड पे, तो इस रास्ते से मैं पहुंच जाऊंगा मे बी। ओके, तो मैं खुले रास्ते पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे जाके ये रहा अपना रूम। लेट्स गो, एंड यहाँ पे अपना सारा सामान है एंड इस सामान से ना हमें इधर जाके अपना ऊपर जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। बट वेट गाइस, यार मेरे पास इतना ज्यादा सामान है ना इसको मैं एक बारी में नहीं ले जा पाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना एक ट्रिक लगाते हैं, मतलब उस ट्रिक से ना मैं अपना सारा का सारा सामान एक बारी में अपने घर पे ले जा पाऊंगा। तो ऑल राइट गाइस, थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो चुकी है, मतलब जिस ट्रिक को मैं करने वाला था ना उसके लिए मैं कैलपास भी लेके आया था, बट मैंने बाद में नोटिस किया मतलब कि उस ट्रिक को अगर मैं करने जाऊंगा ना तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा तो यही होगा मतलब जितना भी सामान है ना वो मैं खुद अपने घर पे ले जाऊं। तो देखो एक बार में तो मैं सारा नहीं लेके जा सकता, तो जितना भी मेन सामान है ना वो सारा मैं रख लेता हूँ। नेम टैग, रेडस्टोन, मेलन सीड, चारकोल एंड जो ये स्वॉर्ड है ना इसका मुझे एक चीज पता है क्या करना है, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे एंड ये क्राफ्टिंग टेबल। ओके, अभी डायमंड मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, 2 मिनट रुक जा भाई, तो ले ना जाए यहाँ से। तो हाँ ये पिकैक्स मुझे यहाँ पे रखनी है एंड जो डैमेज हुई पिकैक्स है ना उसको मुझे यहाँ पे रखना है, तो ऐसे मेरी एक न्यू पिकैक्स तैयार हो जाएगी। मतलब बेसिकली क्या होता है ना ये रिपेयर हो जाती है इससे, तो ऐसे मैं स्वॉर्ड के साथ भी कर लेता हूँ, ये अपनी एक न्यू स्वॉर्ड बन चुकी है। ओ वेट, एक सैडल ले लेता हूँ भाई, इसको कैसे भूल गया मैं, इससे हम घोड़े पे बैठ सकते हैं। तो ऑल राइट गाइस, तो चलते हैं सीधा ऊपर की साइड पे एंड मैंने ना यहाँ से ओए नहीं, अबे यार ये ऊपर से पता नहीं कैसे गिर रहे, पहले भी ये गिरा था, भाग यहाँ से। भाई कितने हो तुम यहाँ पे, बड़े थप्पड़ी थप्पड़ मारते हैं भाई ये तो। एंड मुझे ये डर है ऊपर से कभी क्रिपर ना गिर जाए मेरे पे। एंड यहाँ पे भी कोई यहाँ पे भी घूम रहा है, ये तो फुल लेदर वाला आर्मर पहन के आया है भाई, आर्मर भी नहीं देखे गया, मतलब मैंने देखा ना ड्रॉप वगैरह कर देते हैं ये। तो ऑल राइट, फटाफट से अब ऊपर की साइड पे चलते हैं इससे पहले कि कोई और आ जाए। ऑल राइट भाई, माइनशाफ्ट का टूल तो अपना काफी ज्यादा बढ़िया रहा, बट अब कहां से भाई, अभी मैं नीचे गिर जाता पता नहीं कहां से एरो बजा दी स्केलेटन ने। भागो भाई भागो यहां से, मेरे पास डायमंड है काफी सारे एंड मैं नहीं चाहता वो डायमंड कोई ले ले। आखिरकार हम डायमंड माइन करके अपने घर पे लेके जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया बात है एंड बहुत ज्यादा बढ़िया बात होगी ये तो, मतलब कि बाहर की साइड पे दिन है। लेट्स गो, इतने दिन के बाद ताजी हवा खाने को मिल रही है। ऑल राइट गाइस, ओए ये मेरे गेट को क्या हो गया, क्या जंग सा लग गया इन पे, हालांकि ये कॉपर के थे फिर भी। हाँ वैसे कॉपर पे भी जंग लगता ही है, मे भी शायद वही होगा। चलो इसे छोड़ो भाई, अपने पास आ चुके हैं डायमंड, लेट्स गो। हाँ अभी फ्लैक्स करने के लिए मेरे पास 2 ही डायमंड हैं क्योंकि बाकी के मैं नीचे छोड़े आया, उनको ना एन्चेंटमेंट लगा के अपने टूल पे फिर माइन करेंगे, उससे अपने को डबल डायमंड मिलेंगे। तो इसको मैं संभाल के ना अपनी पास वाली चेस्ट में रख देता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं वही सामान रखता हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल, ये गोल्डन एप्पल एंड ये फायर प्रोटेक्शन की एक बुक जो कि 4 लेवल की है।
एंड इस गोल्ड को भी यहाँ पे रखता हूँ, मतलब कि पहली बार मुझे यहाँ पे गोल्ड इंगट मिले हैं। एंड ये ग्लोबेरीज, इनका मुझे पता नहीं क्या काम है, शायद इनकी भी खेती वेती होती होगी। तो ओके गाइज, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। भाई माइनशाफ्ट से तो हमें काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया से ट्रेजर मिल चुका है, जिसमें डायमंड था, गोल्ड था, एंड भाई एन्चेंटेड बुक, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, एंड लिटरली भाई बहुत सारी चीजें। और हाँ गाइस, काफी सारा डायमंड तो मैं नीचे छोड़ भी आया हूँ, उसको भी हम बाद में माइन करके लेके आएंगे। और हाँ, सैडल मिल चुका है, तो नेक्स्ट टाइम किसी घोड़े पे राइड जरूर करेंगे। और हाँ, एक और बढ़िया बात हो चुकी है, इस वीडियो में हम एक आयरन मैन बन चुके हैं, यानी कि हमने अपना सारा का सारा आयरन आर्मर बना लिया है। तो ऑल राइट गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें इस माइनक्राफ्ट सीरीज की और भी वीडियो देखनी है तो राइट साइड में इसकी प्लेलिस्ट आ रही है, वहां पे जाके तुम सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो। एंड लेफ्ट साइड में मैंने एक न्यू गेम शुरू करी है, जिसकी सीरीज तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी लेफ्ट साइड में, यहाँ के भी एपिसोड देखो भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया है। एंड चलो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों को शेयर करना, एंड न्यू वाली वीडियो देखना भाई बहुत ज्यादा बढ़िया है। एंड चलो, मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बफी गैंग इज ऑन।